यहाँ के जनप्रतिनिधियों को, माननीय सांसद गण, माननीय विधायक गण और अन्य सभी जनप्रतिनिधियों के साथ साथ इस पूरी कमिश्नरी के जनता जनार्दन को हृदय से बधाई देता हूँ और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश शासन के साथ मिलकर के टाटा ट्रस्ट टारगेट्स फाउंडेशन ने इसे डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल के रूप में बदलने के लिए जो सहयोग किया है, इसके लिए इन दोनों ट्रस्ट के प्रति मैं हृदय से धन्यवाद भी देता हूं। इससे पहले टाटा ट्रस्ट और गेट्स फाउंडेशन ने नोएडा में भी एक 300 बेडेड डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल के निर्माण में प्रदेश सरकार का सहयोग किया और सफलतापूर्वक वहां पर कार्य कर रहा है। हमारे लिए देवीपाटन कमिश्नरी जैसा क्षेत्र अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर नीति आयोग को जो एक आदेश दिया था कि वह एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जो स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, जल संसाधन और स्किल डेवलपमेंट है या अन्य जीवन के उस क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं, ऐसे जनपदों को देश के अंदर चिन्हित किया जाए, उसके कुछ पैरामीटर तय किए गए और उस पैरामीटर पे सामान्य जनपदों की तर्ज पर उन्हें भी विकसित किया जा सके, इसके लिए जब नीति आयोग ने कार्य किया तो उत्तर प्रदेश के अंदर 8 ऐसे जनपद निकले थे। पूरे देश के अंदर 115 जनपदों में से 8 जनपद उत्तर प्रदेश के थे और उत्तर प्रदेश के 8 जनपदों में 3 जनपद केवल इस देवीपाटन कमिश्नरी के हैं, जो अभी भी शिक्षा है, कृषि के विकास का है, स्किल डेवलपमेंट का है या फिर रोजगार का है, इन सभी क्षेत्रों में पिछड़े हुए हैं। दूसरा, नेपाल से इस कमिश्नरी के 3 जनपदों की सीमा का मिलना, उस दृष्टि से भी हमारे लिए यह कमिश्नरी अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसी को ध्यान में रखकर के हम लोगों ने जब हमारे सामने प्रस्ताव आया तो मैंने इस बारे में कहा कि एक हॉस्पिटल हम पश्चिम में देंगे और एक को हम पूरब में देंगे और पूरब में देवीपाटन कमिश्नरी को हम लोगों ने इसके लिए चुना और आज मुझे प्रसन्नता है कि 300 बेडेड डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल बनकर के तैयार हुआ है। आज हम इसका लोकार्पण कर रहे हैं और कल परसों से यहाँ पर हम लोग एडमिशन शुरू करके वैश्विक महामारी कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण पार्ट बनकर के यहाँ के लोगों को बेहतर सुविधा देने की कार्रवाई हम इस जनपद के अंदर, इस कमिश्नरी में गोंडा के अंदर देना प्रारंभ कर देंगे। यहाँ पर यहाँ के जनप्रतिनिधियों के सहयोग से, उनके प्रयास से, उनके परिश्रम से 3 मेडिकल कॉलेज अकेले इस कमिश्नरी के अंदर बनाने जा रहे हैं, जिसमें बहराइच का मेडिकल कॉलेज इस सब पिछले सत्र में हम लोगों ने प्रारंभ किया है, इस बार कोविड-19 की लड़ाई में निरंतर सहभागी है। साथ साथ हम लोगों ने बलरामपुर में पूर्व प्रधानमंत्री सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी का वह कर्म क्षेत्र रहा है, उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत बलरामपुर जनपद से की थी और बलरामपुर से उनका एक लगाव था। केजीएमयू लखनऊ की एक सैटेलाइट सेंटर के रूप में वहां पर एक
हॉस्पिटल का निर्माण और उसे मेडिकल कॉलेज के रूप में विकसित करने की कार्रवाई प्रदेश सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है और साथ साथ गोंडा में भी एक नए मेडिकल कॉलेज के निर्माण की कार्रवाई प्रदेश सरकार ने प्रारंभ की है। और मेरा अनुमान है कि जब ये तीनों मेडिकल कॉलेजेस बन करके पूरी क्षमता के साथ अपनी सेवाएं देना प्रारंभ करेंगे तो स्वाभाविक रूप से लोगों को बेहतर और गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्य की सुविधाएं अपने स्थानीय स्तर पर मिलेंगी और डॉक्टर्स भी अच्छे चिकित्सक भी हम लोग इन संस्थानों से निकालने में सफलतापूर्वक हमें इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। कोविड 19 की लड़ाई एक आसान लड़ाई नहीं थी क्योंकि 100 वर्षों के बाद किसी एक महामारी से लड़ने की एक स्थिति देश के सामने आई थी, दुनिया के सामने आई थी। दुनिया ने इस दौरान अनेक प्रकार के वायरस से लड़ाई तो लड़ी लेकिन वे क्षेत्र विशेष में थी, उनके संक्रमण को लेकर के या उस क्षेत्र विशेष में समय से उसके उपचार की तरीके ये सब विकसित कर दिए गए। लेकिन पिछले 100 वर्षों के दौरान कोविड 19 एकमात्र ऐसा वायरस के रूप में हमारे सामने देखने को मिला है जिसका तीव्र संक्रमण और अगर समय से हमने मरीज की को चिन्हित करके उसे उचित स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई तो स्वाभाविक रूप से मृत्यु की दर काफी बढ़ सकती है और अगर वह लापरवाही वहां पर होती है तो फिर हमारी सभी प्रकार की स्वास्थ्य की सुविधाएं धरी की धरी रह सकती हैं और यह दुनिया के तमाम विकसित देशों के उदाहरण हमारे सामने हैं। जहां सब कुछ है लेकिन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के होने के बावजूद बेहतर सर्विलांस न होने के नाते, व्यापक जन जागरूकता न होने के नाते मृत्यु दर भी और इन्फेक्शन यानी संक्रमण का दर भी बहुत ज्यादा है और जिसके कारण वहां पर अनियंत्रित किसी स्थिति पैदा हुई है। लेकिन इन स्थितियों में अगर हम भारत के अंदर देखते हैं तो चाहे वह 22 मार्च का जनता कर्फ्यू का कार्यक्रम रहा हो, चाहे वह 25 मार्च से 4 चरणों में लॉकडाउन का कार्यक्रम रहा हो और चाहे पिछले 3 टर्म से चल रहे अनलॉक की कार्रवाई और ये सफलतापूर्वक इन कार्यक्रमों को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश ने समय से जो कदम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उठाए हैं आज उसका परिणाम हम सबके सामने है कि भारत एक सुरक्षित स्थिति में है और दुनिया के अंदर सबसे कम संक्रमण वाले देशों में और सबसे कम मृत्युदर वाले देशों में भारत है। और हम लोगों ने जो कुछ प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए आह्वान किया था उसे अक्सर से उत्तर प्रदेश में लागू किया, उसका परिणाम है कि सबसे बड़ी आबादी का राज्य होने के बावजूद उत्तर प्रदेश में 24 करोड़ की आबादी निवास करती है लेकिन 24 करोड़ की आबादी के निवास करने के बावजूद देश के अंदर सबसे कम मृत्यु दर वाले बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश एक राज्य है और संक्रमण भी उत्तर प्रदेश का देश के अन्य बड़े राज्यों और दुनिया के बड़े देशों की तुलना में सबसे कम स्थिति में है। आज के दिन पर 4.3% ही हमारी पॉजिटिविटी रेट उत्तर प्रदेश के अंदर है। अगर हम डेथ रेट देखेंगे तो उत्तर प्रदेश की वर्तमान में केवल 1.5% ही डेथ रेट है, ये लगातार ये कम हो रहा है लेकिन अभी हमें इस दिशा में निरंतर सतर्क रहना है और सतर्कता के ही नाते बड़े बड़े पब्लिक फंक्शन नहीं हो पा रहे हैं, अन्य बड़े कार्यक्रम नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि पहले स्वयं का बचाव करके लोगों को बचाव के लिए प्रेरित करना, 2 गज की दूरी बनाए रखते हुए मास्क को जरूरी रखना, इन सब कार्यों के साथ हमें इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना है। लेकिन जनता को बचाने के आह्वान में हम लोग कार्यक्रमों में जा रहे हैं, जनप्रतिनिधियों का भी आह्वान कर रहे हैं, जनप्रतिनिधि भी लगातार पिछले 5 महीनों से लगातार सेवा के कार्यक्रमों में जुट करके जनता को राहत देने का कार्य कर रहा है और आज उसी का परिणाम है कि शासन स्तर पर बनाई गई कार्य योजना,
जनप्रतिनिधियों के सहयोग से प्रशासनिक मशीनरी के द्वारा सफलतापूर्वक उसे लागू करने का कार्य आज प्रदेश के अंदर सफलतापूर्वक होने के कारण गोंडा जैसे जनपद या इस कमिश्नरी जैसे जनपदों में सबसे अधिक माइग्रेंट लेबर भी आई थी और बड़े पैमाने पर आए, उनके रोजगार, उनके पुनर्वास और उन्हें स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने के साथ ही जो अनेक कार्यक्रम यहाँ पर प्रारंभ हुए उन कार्यक्रमों का परिणाम है कि हम लोगों ने माइग्रेंट लेबर के बारे में बहुत सारे लोगों की अलग धारणाएं रही होंगी, लेकिन हम लोगों का ये मानना था कि प्रवासी कामगार उत्तर प्रदेश का नागरिक है और उत्तर प्रदेश में उसका स्वागत है, उत्तर प्रदेश में हम उसकी प्रतिभा और उसकी ऊर्जा का लाभ उठाएंगे। और आज ये कार्य यहाँ पर हम लोगों ने प्रदेश के अंदर आए 40 लाख से अधिक उन सभी प्रवासी कामगार और श्रमिकों का समायोजन उत्तर प्रदेश के अंदर किया, वे लोग उत्तर प्रदेश में रह करके इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक शासन के साथ सहभागी बनकर के कार्य कर रहे हैं, चाहे वह विभिन्न प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के हों, चाहे वह प्रदेश के अंदर एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हो या फिर प्रदेश के अंदर मनरेगा जैसी योजनाओं को या कृषि क्षेत्र में कार्य करने के लिए उपलब्धता का हो या जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उनका योगदान आज प्रदेश के अंदर प्राप्त हो रहा है। प्रदेश के अंदर जो हमारे छात्र बाहर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते थे, कोटा में 12,500 छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते थे। के बारे में अगर आप देखेंगे, जब कोरोना का पहला पेशेंट उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिला था, हमारे पास तब जांच की कोई सुविधा नहीं थी, हमने 70 दिल्ली जांच के लिए सैंपल भेजा था और पेशेंट को भी हमने वहीं पर भेजा था। हमने पहली लैब स्थापित की थी मार्च के अंतिम सप्ताह में केजीएमयू लखनऊ में और केवल 60 जांच उस दिन हमारी हो पाई थी। हमने धीरे धीरे इस क्षमता को विकसित किया, आज हमारे पास लगभग 200 टेस्टिंग लैब्स उत्तर प्रदेश के अंदर हैं, जिनमें आरटीपीसीआर की 36 लैब्स हैं। हमारे पास हर जनपद के जिला चिकित्सालय में ट्रूनेट मशीन के माध्यम से भी हम लोग जाँच की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। हर चिकित्सालय को हमने एंटीजन किट उपलब्ध कराने के लिए कहा है और आज के दिन पर हम 1,40,000 टेस्ट प्रतिदिन कर रहे हैं। देश के अंदर सर्वाधिक टेस्ट करने वाला उत्तर प्रदेश आज नंबर एक का राज्य है और सबसे अधिक टेस्ट करने वाला राज्य भी आज के दिन पर उत्तर प्रदेश है। यानी हर एक क्षेत्र में उत्तर प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और मुझे प्रसन्नता है कि आज हम गोंडा में भी ये डेडिकेटेड 300-bedded कोविड हॉस्पिटल दे रहे हैं। यह एक कोविड हॉस्पिटल हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधियों की, माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, यहाँ के जो लोकल विधायक हैं उनके प्रयास और हमारे अन्य जनप्रतिनिधियों ने जो यहाँ के लिए निरंतर मांग उठाई थी उनके प्रयासों के परिणाम स्वरूप आज यहाँ पर ये चीजें, क्योंकि इन लोगों के द्वारा शुरू शुरू में इस बारे में चर्चा होती थी। मुझे याद है जब हम लोग SDGs पर चर्चा कर रहे थे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे चर्चा कर रहे थे उत्तर प्रदेश विधानसभा में, और गांधी जयंती के दिन हम लोगों ने कार्यक्रम रखा था, लगातार 36 घंटे तक सदन की कार्रवाई चलाई थी, तो उस दिन यहाँ के लोकल विधायक, गोंडा के लोकल विधायक लगातार 36 घंटे तक सदन के अंदर बैठ करके उस कार्रवाई का हिस्सा बने थे और उन्होंने साबित किया था कि वास्तव में जज्बा होना चाहिए और उस जज्बे के साथ हम लोग गरीबी को मिटाने के लिए, भूखमरी को मिटाने के लिए, किसी भी प्रकार की अव्यवस्था को मिटाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेंगे। SDGs पर जो चर्चा हम लोगों ने, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर उत्तर प्रदेश विधानसभा ने जो चर्चा की वह केवल चर्चा तक सीमित नहीं थी, आज उसके परिणाम दिखाई दे रहे होंगे कि जब हम लोग एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के हर एक पैरामीटर पर देश के अंदर अच्छे स्थान पर उत्तर प्रदेश के जनपद दिखाई देते हैं। जब हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि हमारे पास हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए कोविड-19 ने हम लोगों को जो एक चेतावनी दी, इसके कारण हम लोगों ने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को भी, हम लोग इसी बहाने उसकी स्ट्रेंथनिंग करने में हम लोगों को मदद मिल गई, उसके सुदृढ़ीकरण करने में हमें मदद मिल गई और आज उसी का परिणाम है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे केवल चर्चा ही नहीं करेंगे बल्कि व्यावहारिक धरातल पर दिखाई देगा। 300-bedded डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल गोंडा जनपद में बनना ये
एसडीजीज पर भी चर्चा का ही एक परिणाम है कि हम लोगों ने गरीबों के बारे में, हम लोगों ने हर एक व्यक्ति को अच्छी स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध हो सके इसके बारे में जो चर्चाएं की हैं, उन चर्चाओं को हम लोगों ने व्यवहारिक धरातल पर उतार करके जनता को बेहतर परिणाम देने का जो निश्चय किया था, जो संकल्प विधानसभा में लिया था, गांधी जी की जयंती के अवसर पर, 150वीं जयंती के अवसर पर लिया था, आज उसका मूर्त रूप प्रदेश के अंदर कोविड 19 के दौरान लॉकडाउन की कार्रवाई में दिए गए परिणाम और कोविड 19 के दौरान भी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हुए कार्य, लोगों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने का कार्य, देश के अंदर डेथ रेट में सबसे कम डेथ रेट होना, पॉजिटिविटी रेट में सबसे कम होना, सबसे अधिक टेस्ट कराना, ये सब उसके परिणाम स्वरूप हम सबके सामने आ रहे हैं। मेरा आज के इस अवसर पर एक बार फिर से मैं यहाँ के सभी अपने माननीय जनप्रतिनिधियों को हृदय से बधाई देता हूँ कि उन्होंने यहाँ पर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए या फिर डेवलपमेंट के लिए जिस प्रकार के कार्यक्रम को अपना एक अपने मिशन का हिस्सा बनाया है, उस मिशन का परिणाम हम सबके सामने इस रूप में देखने को मिल रही है। और ये चीजें हमारी मिशन, ये कोविड 19 की लड़ाई हमें इस बात को भी साबित करती है कि जज्बा महत्वपूर्ण होता है। अगर हौसले आपके मजबूत हैं तो हम बड़ी से बड़ी चुनौती को पूरी मजबूती के साथ परास्त कर सकते हैं। और कम इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बावजूद इस कमिश्नरी ने रिजल्ट बेहतर देने का प्रयास किया है। और जब ये डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल गोंडा में बनेगा, मेरा अनुमान है अभी यहाँ पे केवल 17 बेड यहाँ पे वेंटिलेटर के यहाँ पर इस हॉस्पिटल में आ रहे हैं, लेकिन हम लोग शीघ्र ही यहाँ पर HFNC और वेंटिलेटर्स की संख्या बढ़वाएंगे जिससे क्षमता और तेजी के साथ लोगों को और ज्यादा सुविधा मिल सके, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इसका बड़ा रोल है। दूसरा, व्यापक जागरूकता, जागरूकता इस बात का कि डोर टू डोर सर्वे, जो भी सस्पेक्टेड केस हैं, जितने भी सस्पेक्टेड केस आएंगे, बुजुर्ग हैं, पहले से ही कई बीमारियों से ग्रसित हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, कमजोर इम्यूनिटी के हैं, बच्चे 10 साल से छोटे बच्चे हैं, इनमें से जो भी हमें सस्पेक्टेड लगे, इनकी तत्काल जांच कराना और जांच कराने के बाद इनका कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी 24 घंटे के अंदर करके जो भी कोविड पॉजिटिव आए उन्हें अगले 48 घंटे के अंदर हॉस्पिटल में पहुंचा देना। अगर होम आइसोलेशन में हमें भेजना है तो पहले इस बात को देख लेना कि होम आइसोलेशन में भेजने के लिए क्या उनके पास सेपरेट रूम और सेपरेट टॉयलेट है या नहीं है। अगर है तो उन्हें पल्स ऑक्सीमीटर और थर्मामीटर भी उनको क्रय करने के लिए तैयार करना और फिर उनको एक किट उपलब्ध करा करके उन्हें होम आइसोलेशन के लिए भले ही हम अनुमति दें, लेकिन शेष पेशेंट को हम जितनी जल्दी हॉस्पिटल पहुंचा सकेंगे उतनी जल्दी हम उसके जीवन की रक्षा करने में सफल होंगे, डेथ रेट हमारा उतना ही न्यूनतम स्तर पर जाएगा। सर्विलांस की बहुत बड़ी भूमिका इस प्रकार की किसी भी इस प्रकार के वायरस जनित बीमारियों में होती है और हमें सर्विलांस पर बेहतर ध्यान देना होगा। मैं अपने सभी माननीय जनप्रतिनिधियों से भी इस बारे में आह्वान करूंगा कि हम लोगों को इस बारे में तैयार करें कि जहां पे लोगों को थोड़ा भी सर्दी है, खांसी है, हल्का सा हरारत है, बुखार है, लेट ना करें, क्योंकि बहुत बार लोग ये मानते हैं कि बरसात का समय है, हरारत हो गई होगी या वायरल फीवर हो गया होगा या सर्दी जुखाम को सामान्य बुखार के रूप में लेकर के हम लोग स्वयं भी दिक्कत पैदा हो जाती है, इसलिए कभी भी लापरवाही इसमें नहीं करेंगे और तो अन्य लोग भी बचेंगे, हमारी स्वयं की जान भी बचेगी। और इस दिशा हम लोग पूरी सतर्कता के साथ इस कार्य को हम लोग पूरी तत्परता के साथ करेंगे। मैं एक बार फिर से यहाँ के जनता जनार्दन को 300 बेडेड कोविड हॉस्पिटल मिलने पर, क्योंकि देवीपाटन कमिश्नरी है, माँ पाटेश्वरी के नाम पर बना हुआ ये कमिश्नरी, और आज उनके कमिश्नरी मुख्यालय पर 300 बेडेड कोविड हॉस्पिटल यहाँ की जनता को समर्पित करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। मैं इसके लिए यहाँ के माननीय जनप्रतिनिधियों को हृदय से बधाई देता हूँ, यहाँ की जनता का अभिनंदन करता हूँ। मैं टाटा ट्रस्ट और बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन को इस अवसर पर हृदय से धन्यवाद देता हूँ और स्वास्थ्य विभाग को भी इस बात पर हृदय से
धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि जिस मजबूती के साथ इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और आगे भी जिस जज्बे के साथ लड़ने के संकल्प के साथ वे कार्य कर रहे हैं, निश्चित ही हम लोग सफल होंगे और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत COVID-19 के खिलाफ इस लड़ाई को जीत करके भारत अपनी अर्थव्यवस्था को और मजबूती के साथ सुदृढ़ करके प्रत्येक नागरिक के जीवन में खुशहाली लाने का कार्य करेगा। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद।